हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 जनवरी 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पौष शुक्ला अष्टमी। तो चलिए आज हम बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मोतियाबिंद का इलाज कराने वाले 17 लोगों ने आंखों की रोशनी जाने की शिकायत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे एक अस्पताल में मोतियाबिंद का इलाज कराने पहुंचे थे। मामले के सामने आने के बाद ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। खबर है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ऑपरेशन कराने वाले 5 लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल रेफर किया गया। अहमदाबाद क्षेत्र के उप निदेशक सतीश मकवाना के मुताबिक, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जाँच के लिए एक 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। वहीं मांडल गांव के इस आंखों के अस्पताल से अगले आदेश तक मोतियाबिंद के और ऑपरेशन न करने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल 10 जनवरी रामानंद नेत्र चिकित्सालय में सर्जरी कराने वाले 5 लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भेजा गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंजन प्लेटफार्म के डेड एंड से टकरा गया। इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लोग इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर से बिलासपुर के बीच चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे बिलासपुर के 8 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंची। उन्होंने बताया कि बिलासपुर पहुंचने और यात्रियों के उतरने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों को जांच के लिए दूसरे इंजन के साथ कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जब एक्सप्रेस को लेकर आए इंजन को 7:15 बजे यार्ड में ले जाया जा रहा था, तब लोको पायलट की चूक से इंजन पीछे जाने के बजाय आगे बढ़ गया, जिससे वह प्लेटफार्म के अंतिम छोर से टकरा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में प्लेटफार्म का अंतिम छोर जिससे इंजन की टक्कर हुई है, वह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। राहुल गांधी ने नागालैंड के मोकोकचुंग में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ बाइकर्स से बातचीत की। राहुल गांधी से बात करने वाले बाइकर्स में से एक शाहवर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता से उनकी सिर्फ मोटरसाइकिल को लेकर बातचीत हुई। साथ ही राहुल गांधी के लद्दाख दौरे को लेकर बात हुई। शाहवर हुसैन ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो पहली बार राहुल गांधी से मिले हैं। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा ज्यादातर बस से हो रही, लेकिन कहीं कहीं पदयात्रा भी होती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उनकी 136 दिन की इस पदयात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 76 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 4,081 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। मणिपुर के तेंगनौपल जिले के सीमावर्ती शहर मोरेह में सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में मणिपुर राज्य पुलिस कमांडो यूनिट से जुड़े आईआरबी कर्मी वांगखेम सोमोरजीत की जान चली गई। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने एसबीआई मोरेह के पास एक अस्थायी कमांडो पोस्ट पर बम फेंके और गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में सीमावर्ती शहर में राज्य बलों द्वारा 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने के 48 घंटे बाद संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर गोलीबारी की। इससे पहले मणिपुर सरकार ने तेंगनौपल में अब शांति भंग होने, सार्वजनिक सद्भाव बिगड़ने और मानव जीवन एवं संपत्ति को गंभीर खतरे की आशंका संबंधी जानकारी मिलने के बाद 16 जनवरी को देर रात 12 बजे से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। पुलिस ने एसडीपीओसी आनंद की पिछले साल अक्टूबर में की गई हत्या मामले के 2 मुख्य संदिग्धों फिलिप खोंगसाई और हेमोखोलाल माथे को गिरफ्तार किया था। दोनों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहनों पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। पंजाब के होशियारपुर जिले में जालंधर पीएपी से गुरदासपुर जा रही पंजाब पुलिस की एक बस होशियारपुर के मुकेरिया में आगे चल रहे ट्राले से जा टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस हादसे में 10 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कई पुलिस कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घायल पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि वह ड्यूटी पर गुरदासपुर जा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे वह पीएपी जालंधर से निकले थे। जैसे ही उनकी बस मुकेरिया में पहुंची तो एकदम से पक्के रोड से कच्चे पा गई। कोई कुछ सोच पाता? इतने में ही बस ने आगे चल रहे ट्राले के पीछे टक्कर दे मारी। केरल के कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 4000 करोड़ से अधिक की कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कुछ ही दिन पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए मैंने केरल में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों की बात की थी। केरल के बाहर बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के पुत्रों से जुड़े हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि इस आज़ादी के अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी अपनी भूमिका है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब भारत समृद्ध था, जब वैश्विक GDP में भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी थी, तब उसकी ताकत उसके बंदरगाह और बंदरगाह शहर ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जब भारत फिर से वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, तो हमने अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पंजाब की 5 नगर निगमों के चुनाव न करवाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। सरकार ने कहा है कि वार्ड बंदी से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 30 जनवरी को तय है। इसके चलते सरकार ने हाईकोर्ट से केस की सुनवाई के लिए समय की मांग की गई। इसे लेकर हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई रखी है और उसमें चुनाव कार्यक्रम पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और फगवाड़ा की नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी चुनाव न करवाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में दरवाजे का लॉक खराब होने से एक यात्री करीब 1 घंटे तक टॉयलेट में फंसा रहा। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना मंगलवार को मुंबई से बेंगलुरु जा रहे विमान में हुई और यात्री को टिकट के पूरे पैसे वापस किए जा रहे हैं। एयरलाइन ने यात्री को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। फ्लाइट के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एक इंजीनियर ने टॉयलेट का दरवाजा खोला और इसके बाद यात्री बाहर आया। यात्री के बारे में तत्काल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा, मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में 16 जनवरी को एक यात्री दरवाजे का लॉक खराब हो जाने से करीब 1 घंटे तक टॉयलेट में फंसा रहा। इस दौरान विमान हवा में था। प्रवक्ता ने कहा, सफर के दौरान हमारा चालक दल यात्री की मदद करने में लगा रहा। विमान के उतरने पर इंजीनियर ने शौचालय का दरवाजा खोला और तुरंत यात्री को मेडिकल सहायता प्रदान की गई। प्रवक्ता ने कहा कि यात्री को उसके टिकट के पूरे पैसे लौटाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना जांच इकाई वाहन लॉन्च किया, जो वैज्ञानिक तरीके से दुर्घटना के मूल कारण की जांच और पहचान करने की क्षमता रखता है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि वाहन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें क्रैश इन्वेस्टिगेशन किट, मूविंग लोकेशन आधारित वीडियो कैप्चर, भौगोलिक स्थान लिंकेज के साथ एक स्पीड कैमरा, क्षेत्र आधारित वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन शामिल हैं। यादव जी के हवाले से कहा गया, ये इन हाउस विकसित वाहन जो पंजाब पुलिस को डिजाइन और विकास क्षमताओं के मामले में देश में अग्रणी बनाता है, क्षेत्र में सड़क सुरक्षा पहल की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक जांच हमें समस्या के मूल कारण का पता लगाने में मदद करेगी, चाहे वह सड़क के बुनियादी ढांचे, वाहनों से संबंधित हो या मानवीय त्रुटि के कारण हो। यह सड़क दुर्घटनाओं की जाँच करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण से एक छलांग होगी और अधिक के साथ संरेखित होगी। मंगलवार को पटियाला जिले में ड्रग्स मामले में पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम के सामने पेश होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई। पूर्व मंत्री को उप महानिरीक्षक पटियाला रेंज हरचरण सिंह भुल्लर के नेतृत्व वाली SIT ने तलब किया था। साइट के सामने मजीठिया की पेशी के मद्देनजर पटियाला में पुलिस लाइन के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मजीठिया के समर्थन में कई अकाली कार्यकर्ता जुटे।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बेनकाब करते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं। वरिष्ठ अकाली नेता ने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और कानून का सम्मान करते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अयोध्या को सुरक्षा के मोर्चे पर अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। पीएम मोदी की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में करीब 8000 वीआईपी अतिथि रहेंगे। यही वजह है कि आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम से पहले 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए जा रहा है, जिसकी मदद से चप्पे चप्पे की निगहबानी की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में परिंदा भी पर न मार सके, इसलिए ड्रोन और सीसीटीवी के अलावा बड़ी संख्या में विशेष तौर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। वे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होंगे। सुरक्षा एजेंसियों सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 7 लेयर का घेरा तैयार किया है। पहले घेरे में एसपीजी के कमांडो होंगे और जिनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार होंगे। दूसरे घेरे में एनएसजी के जवान होंगे। तीसरे घेरे में आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। चौथे घेरे का जिम्मा सीआरपीएफ के जवानों पर होगा। पांचवें घेरे में यूपीएटीएस के कमांडो होंगे, जो किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। छठे घेरे में आईबी और सातवें घेरे में स्थानीय पुलिस के जवानों की फौज खड़ी होगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा से बुधवार को ईडी ने 2004 से 2007 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हुड्डा का बयान दर्ज किया। ईडी की जांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की कथित मिलीभगत से 2004 और 2007 के बीच हरियाणा के मानेसर में भूमि के अवैध अधिग्रहण से संबंधित है। कई किसानों और भूमि मालिकों ने आरोप लगाया था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उनके साथ लगभग 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एजेंसी ने हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर सितंबर 2016 में कथित भूमि घोटाला सौदे में पीएमएलए मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। केरल के इतिहास में पहली बार संशोधित स्कूली पाठ्य पुस्तकों में देश के संविधान की प्रस्तावना शामिल होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने बच्चों के मन में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के अपने प्रयासों के तहत कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तावना को शामिल करने का निर्णय लिया है। सामान्य शिक्षा मंत्री एवं राज्य पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष भी शिवनकुट्टी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। राज्य पाठ्यक्रम समिति ने हाल ही में एक दशक के बाद लागू किए गए पाठ्यक्रम सुधारों के तहत कक्षा 1, 3, 5, 7 और 9 के लिए 173 नई पाठ्य पुस्तकों को मंजूरी दी है। शिवनकुट्टी ने कहा, यह पहली बार है कि हर पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में संविधान की प्रस्तावना को शामिल और मुद्रित किया गया है। मंत्री ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ALDF सरकार ने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि यह दक्षिणी राज्य संवैधानिक मूल्यों को कायम रखते हुए सुधार गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SSERT के निदेशक जयप्रकाश आरके ने कहा कि NCERT की कई पाठ्य पुस्तकों में पहले से ही संविधान की प्रस्तावना है, लेकिन यह पहली बार है कि केरल इस तरह की पहल कर रहा है। उन्होंने PTI भाषा से कहा, प्रस्तावना राज्य में सभी संशोधित पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा होगी। इसे शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी हिस्सा बनाया जाएगा। इससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को संविधान की प्रस्तावना के मूल को समझने में मदद मिलेगी। जयप्रकाश के अनुसार, यदि पाठ्य पुस्तक का माध्यम मलयालम है तो प्रस्तावना मलयालम में होगी, तमिल पाठ्य पुस्तकों में यह तमिल में और हिंदी पाठ्य पुस्तकों में यह हिंदी में होगी। सरकार द्वारा प्रस्तावना को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बनाने के कारण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं के बीच संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। अयोध्या के पुजारी सुनील दास ने कहा,
अयोध्या का यह मंदिर विश्व शांति का केंद्र बनेगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और यजमान अनिल मिश्रा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर पूजा करते नजर आए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए धार्मिक अनुष्ठानों के लिए 9 महिलाओं के एक समूह ने सरयू नदी से अयोध्या में राम मंदिर तक कलश जल यात्रा निकाली। दिल्ली में भाजपा नेता गौतम गंभीर ने शिव मंदिर करोल बाग में स्वच्छ मंदिर अभियान में हिस्सा लेते हुए सफाई की। बता दें कि पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और अन्य बीजेपी नेता भी स्वच्छ मंदिर अभियान में हिस्सा ले चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि आजकल पूरा देश राममय हो गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पुरानी या परित्यक्त संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस कदम से बोर्ड का राजस्व बढ़ने और बुनियादी ढांचा मजबूत होने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सीएम ने मंगलवार को चंडीगढ़ में परित्यक्ता और रिक्ति की नीलामी को लेकर बैठक की। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि बोर्ड के पास 35 स्थानों पर पुराने कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर हैं, जिनकी नीलामी की जानी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया। जानकारी अपलोड करने के बाद नीलामी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। मणिपुर सरकार ने सीमावर्ती शहर मुरेह में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए गृह मंत्रालय से बुधवार को हेलीकॉप्टर की मांग की है, जिसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। राज्य के गृह आयुक्त टी रणजीत सिंह ने गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पुलिस द्वितीय प्रभाग को लिखे एक पत्र में कहा, सीमावर्ती शहर मोरेह में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि वहां लगातार गोलीबारी हो रही है और इसके चलते आज सुबह भारतीय आरक्षित वाहिनी IRB के एक जवान की मौत हो गई है। पत्र में कहा, मोरेह में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कभी भी चिकित्सीय आपातकाल के हालात बन सकते हैं। मणिपुर सरकार ने गृह मंत्रालय से कम 7 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर मांगे हैं। मोरेह शहर में बुधवार सुबह अलग अलग 3 से अधिक स्थानों पर सुरक्षा बलों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। मोरेह राज्य की राजधानी इंफाल से 105 किमी दूर है। तेंगनोपल जिले में कानून व्यवस्था की संवेदनशील स्थिति और कुकी उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला करने तथा आदिवासी महिलाओं द्वारा राजमार्ग को अवरुद्ध करने जैसे खतरे को देखते हुए घायल कर्मियों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ही एकमात्र सुविधाजनक तरीका है। पत्र में यह भी लिखा गया कि गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी को यह बताने के लिए कहा था कि कितनी अवधि और संख्या में गृह मंत्रालय के हेलीकॉप्टर की जरूरत है, क्योंकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सीमित संसाधनों के कारण गृह मंत्रालय के हेलीकॉप्टर को एक ही स्थान पर लंबे समय तक उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को मोरेह कस्बे में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें राज्य पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह मोरेह शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई।